नमस्कार, मैं हूं सोनी शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक शिव टाइम। कैमरा मैन शिव का तो दैनिक शिव टाइम के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। फिर एक नई कड़ी के साथ, बड़ी खबर के साथ। ये वाक्य रामगढ़ ब्लॉक के गांव कैरावाली का, यहाँ का मिडिल स्कूल मिड डे मील के नाम पर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी हाँ, दैनिक शिव टाइम की टीम ने जब वहां पहुंचे तो देखा मिड डे मील की किचन, यहां वहां चावल थे वो बिखरे पड़े हुए थे। बच्चों से पूछा गया तो बच्चों ने कहा कि पिछले दो दिन से खाना स्कूल में दिया ही नहीं गया। कारण पूछा गया तो जवाब देने में असमर्थ रहे वहाँ के अधिकारी, स्कूल के टीचर्स और जो वहाँ पर किचन में, उन्होंने कहा कि सिलेंडर ही ख़त्म हो गया है। ये था उनका जवाब। लेकिन सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि मिड डे मील के नाम पर बच्चों को अच्छा खाना दिया जाए उनको, ताकि बच्चों का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रह सके। लेकिन गांव कैरावाली का मिडिल स्कूल जो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मैं आपको वीडियो के जरिए दिखाऊंगा किस तरह से बच्चों को खाना परोसा गया। सैटरडे का दिन था, उस दिन जो मेन्यू में था वो नहीं बनाया गया था। नमकीन चावल उनको परोसे गए, लेकिन बच्चों ने कहा कि आए दिन ऐसा ही खाना मिलता है इस स्कूल में। लेकिन वहां पर मौके पर हमने वहां के स्थानीय मंच से, उन्होंने मौके पर आकर जेडीओ रामकोट को भी वहां पर तलब कर लिया और उसके खिलाफ, स्कूल के खिलाफ फौरन एक्शन हुआ। जेडीओ रामगढ़ ने एक्सप्रेशन लेटर उनके खिलाफ, स्कूल के जो टीचर थे वो अधिकारी उनके खिलाफ में निकाल दिया। देखिए हमारे कैमरामैन की खास रिपोर्ट। आपके एस पी एन ए डी